हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आखिरी चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, और थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे डर रहे हैं, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो फिर आप इस वीडियो पे आइए। ठीक है, तो 7.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू एस सी इज टू डी। ठीक है, प्रोपोर्शन में है ये। तो यहाँ पे चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको प्रूव करना है। ठीक है, शो करना है। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ और इसको देख के आप समझ जाओगे कि ये बाकी सब कैसे करने हैं। सेम वैसे ही होगा जैसे ये लास्ट वाला होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है इफ ए इज टू बी इज टू एस सी इज टू डी, शो करना है एल ए प्लस एम बी, ये फोर्थ पार्ट है इसका। शो करना है एल ए प्लस एम बी इज टू एल सी प्लस एम डी इज टू एल ए माइनस एम बी इज टू एल सी माइनस एम डी। ठीक है, ये हमको शो करना है। जो हमको दिया है उसको हम एस से भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिख सकते हैं, और जो हमको शो करना है उसको भी मैसेज लिख सकते हैं, एल ए प्लस एम बी अपॉन एल सी प्लस एम डी इक्वल टू एल ए माइनस एम बी अपॉन एल सी माइनस एम डी। ऐसा क्यों किया है मैंने, अब ध्यान से देखिए, ए बी सी डी तो दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास दिया है, और जो हमको शो करना है, ये जो शो करना है इसमें भी ए बी सी डी है। ठीक है, एक चीज़ आप देखेंगे, एल एम हर जगह दिया हुआ है। ठीक है, जो पहले दिया हुआ है उसको न्यूमरेटर में, जो बाद में दिया हुआ है उसको डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से समझिए, ये ट्रिक है इसका। पहले क्या दिया हुआ है एल, बाद में क्या दिया है एम। यहाँ देखो, पहले L बाद में M, यहाँ देखो पहले L फिर M, L फिर M। ठीक है, तो जो L है उसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, जो M है उसको करना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, जैसे हमको ये दिया हुआ है ना, A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड L अपॉन M से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय L अपॉन M बोथ साइड, उससे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल ए एल, या हम एल ए भी कह सकते हैं, एल ए माइनस सॉरी अपॉन एम बी इज इक्वल टू एल सी अपॉन एम डी। समझ में आ रहा है, एल अपॉन एम बोथ साइड में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, मैंने बताया था सबसे ज्यादा उसी का यूज होता है। अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, मैंने यहाँ पर सी एन डी लिखा है, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने सिंपल में सी एन डी, सी मतलब कंपोनेंटो, डी मतलब डिविडेंडो। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जो न्यूमरेटर है उसको प्लस करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, और अपॉन में जो न्यूमरेटर है उसको माइनस कर देते हैं डिनोमिनेटर के साथ। समझ में आ गया, सेम चीज़ अभी करते हैं, एल सी प्लस एम डी अपॉन एल सी माइनस एम डी। समझ में आ गया, अब ध्यान से देखिए, हमको शो करना था एल सी प्लस एम बी, हमारे यहाँ पे आ रहा है एल सी प्लस एम बी, लेकिन अपॉन में है एल सी प्लस एम डी, हमारा नहीं है एल सी प्लस एम डी, वो तो इधर है। तो क्या इसको यहाँ नहीं कर सकते हैं, इसको यहाँ करें, इसको यहाँ करें, मतलब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाई अल्टरनेंडो, अप्लाई अल्टरनेंडो। ठीक है, ये सब आपने पहले भी किया होगा, बस आप नाम नहीं जानते थे। ये स्वैप करना तो आपको पहले से भी आता है ना, आप इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, बस आप नाम नहीं जानते थे कि क्या इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, क्या है, बस आपको यहाँ पे अप्लाई लिखना पड़ेगा या फिर ब्रैकेट में से लिखना पड़ेगा आपने क्या किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल ए लिखेंगे प्लस एम बी लिखेंगे अपॉन, ये जो है इसको नीचे लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा एल सी प्लस एम डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा तो ये जाएगा एल ए माइनस एम बी अपॉन एल सी माइनस एम डी, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैक्सिमम क्वेश्चन को अब मैं आपको सी एन डी मतलब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो ही अप्लाई करना है, जरा टेंशन लेना नहीं इस बात का। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके बाकी, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में जो बाकी सब दिए हुए हैं, अब यहाँ पहले टू दिया है फिर फाइव, टू फाइव, तो आपको टू अपॉन फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए अपॉन बी, ध्यान से देखिए आपको जो दिया रहेगा ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी में, तो टू अपॉन फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप सी एन डी अप्लाई कर देंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, सब वैसा ही, यहाँ पे फाइव इलेवन है तो फाइव फाइव अपॉन इलेवन से करेंगे, यहाँ पे टू एंड थ्री है तो टू अपॉन थ्री से करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मैं सेकंड वाला आपके लिए करता हूँ, वैसे ही फर्स्ट वाला होगा आप कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए,
हम आते हैं क्वेश्चन टू के सेकंड पे, ठीक है। तो क्वेश्चन टू का सेकंड ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि गिवन है ए टी माइनस फाइव बी अपॉन एट सी माइनस फाइव टी इक्वल टू ए टी प्लस फाइव बी अपॉन एट सी प्लस फाइव बी। ये आपका गिवन है, दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अगर ये ऐसा है तो प्रूफ करो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। बहुत सिंपल है, क्या करना है, देखो यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, यहाँ पर सी डी दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी दिया है सी डी। तो जो ए बी वाले को एक साथ कर लो, कैसे, इसको ना पहले यहाँ लिखे आओ, कैसे होगा ये चीज, यहाँ पे कैसे आएगा, स्वैप होगा, मतलब यूजिंग अल्टरनेंडो। तो इसे क्या करेंगे, हम लिखेंगे एट ए माइनस फाइव बी अपॉन, इसको यहाँ लेके आएंगे एट ए प्लस फाइव बी, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो एट सी माइनस फाइव डी अपॉन, ये नीचे आ जाएगा एट सी प्लस फाइव बी, समझ में आ गया। वन सेकेंड, यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक है, ये फाइव डी है, ठीक है ना, क्वेश्चन में फाइव डी है, तो यहाँ पे ये फाइव डी होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, हमने अप्लाई किया है अल्टरनेंडो, ठीक है, बाय अल्टरनेंडो, ठीक है, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखे तो, देखो लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, बट फिर भी ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, मे भी कोई खड़ूस टीचर वो नंबर काट ले, बट वैसे कटता नहीं है, ठीक है, बट उसे लिख दोगे तो अच्छी बात है, ओके। तो अभी यहाँ पे हो गया, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इन्वर्ट इंडो यूज कर लेते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है, ये एट ए प्लस फाइव बी ऊपर कर देते हैं और एट ए माइनस फाइव बी नीचे कर देते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आ सकता है, बट इसको मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, जो पॉजिटिव साइन को ऊपर लेके जा रहा हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्यों अप्लाई कर दिया आपने, क्यों यूज़ कर दिया, देखो वैसे भी आ जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव साइन को ऊपर लेके जाए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ईजिली हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये नीचे को ऊपर लेके गया, ऊपर को नीचे लेके आया, यहाँ पर भी एट सी प्लस फाइव डी किया अपॉन एट सी माइनस फाइव डी किया, ठीक है, पॉजिटिव साइन को ऊपर, अगर ये पहले से होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है, बट वैसे भी आ जाएगा, ठीक है, बाई इन्वर्टेंडो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वही चीज जो मैं बताया था आपको, सबसे ज्यादा यूज करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, अब वो यूज करेंगे। सो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, सी एंड डी। अब सॉरी, उसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है विच इज एट ए प्लस फाइव बी, उसमें प्लस कर देते हैं डिनोमिनेटर को, जो कि है एट ए माइनस फाइव बी अपॉन, जो न्यूमरेटर होता है एट ए प्लस फाइव बी, उसमें माइनस कर देते हैं डिनोमिनेटर को, इसको माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो पहले पॉजिटिव किया बाद में नेगेटिव कर दिया, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे करेंगे, एट सी प्लस फाइव डी में प्लस करेंगे एट सी माइनस फाइव डी, समझ में आ रहा है, अपॉन एट सी प्लस फाइव डी माइनस एट सी प्लस फाइव डी, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जब यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस फाइव भी माइनस फाइव भी कट गया, यहाँ पे प्लस एट ए माइनस एट ए कट गया, ठीक है, ये माइनस ही प्लस था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस फाइव डी माइनस फाइव डी कट गया और यहाँ पर माइनस एट सी प्लस एट सी कट गया, समझ में आ रहा है आपको। ध्यान से देखो, एट ए, एट ए कितना हो गया सिक्सटीन ए अपॉन फाइव बी, फाइव बी कितना हो गया टेन बी, इज इक्वल टू एट सी कितना हो गया सिक्सटीन सी अपॉन फाइव डी, फाइव डी कितना हो गया टेन डी। देखो ये सिक्सटीन, सिक्सटीन से कट, टेन, टेन से कट, तो हमको मिला क्या फाइनली, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और यही तो हमको प्रूव करना था, ऊपर देखो दिया हुआ, ये तो प्रूव करना था फाइनली, समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, पहले हमने अल्टरनेंडो यूज करके ए को एक साइड लाया। आप पूछेंगे सर कैसे पता कहाँ पे क्या अप्लाई करें, देखो पहले हमको ए वाले को और बी वाले को एक साथ लाना है, ठीक है ना, एक साथ लाने के लिए क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, तो क्या लगाया अल्टरनेंडो, फिर पॉजिटिव साइड को ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो इन्वर्टेंडो। और सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम क्या यूज करते हैं, सी एन डी, कंपोनेंडो, इंडिपेंडेंडो, और वही अपने अप्लाई कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन टू का जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल वैसे ही है, कीजिएगा, सेकंड पार्ट मैंने कर दिया है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ भी वैसे ही है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लास में इसको बताया है, ठीक है।
तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका सेकंड है, वैसे ही थर्ड और फोर्थ है, बस यहाँ पे पी क्यू कर दिया है, यहाँ पे नंबर्स था, यहाँ पे पी क्यू कर दिया है, कुछ भी चेंज नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखा था कि पहले नंबर से 2, 5, 5, 11, लास्ट में एल एम कर दिया है, पर चीज़ भी वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि फोर्थ वाले में पी क्यू कर दिया है, ठीक है, बट चीज़ बिल्कुल वही है, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताऊँगा। हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड का, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इन सब में हो सकता है कि आपको अल्टरनेंडो और इन्वर्टेंडो न यूज़ करना पड़े, ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये जो तो मैंने यूज़ किया ना, ये कंडीशन वाइज यूज़ किया है कि पहले मुझे यहाँ पे स्वैप, क्या पता किसी क्वेश्चन में ए और बी साथ में दे ही दिया हो तो आपको अल्टरनेंडो नहीं यूज़ करना है, क्या पता किसी क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन ऊपर दे ही दिया हो तो आपको इन्वर्टेंडो नहीं यूज़ करना है, लेकिन सी एंड डी अप्लाई करना ही करना है, बिना उसके क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविनेंडो मस्ट है, बाकी आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, इतना माइंड तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम क्वेश्चन 5 देखते हैं, कह रहा है इफ एम ए प्लस एन बी इज टू बी इज टू एफ एम सी प्लस एन डी इज टू डी, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है, ये प्रपोर्शन में है, तो प्रूफ करना है ए इज टू बी इज टू एफ सी इज टू डी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम ए प्लस एन बी अपॉन बी इज इक्वल टू एम सी प्लस एन डी अपॉन डी, तो ये हमको गिवेन है, ठीक है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, समझ में आ गया, ये वही चीज़ तो है ना, ठीक है ना। कैसे, देखो इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं करेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे। ये जो बी है ये दोनों को दे सकते हैं, ये जानते हैं आप लोग, इसको हम एम ए अपॉन बी कर सकते हैं प्लस एन बी अपॉन बी कर सकते हैं कि नहीं, बाद में एलसीएम लोगे फिर से वही बन जाएगा, ठीक है, देखे देख लेना। यहाँ पे डी दोनों को दे दो, एम सी अपॉन डी प्लस एन डी अपॉन डी, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये बी से बी कट, यहाँ डी से डी कट, तो ये एम ए अपॉन बी प्लस एन इज इक्वल टू एम सी अपॉन डी प्लस एन, बोथ साइड एन और एन कट, तो एम ए अपॉन बी इज इक्वल टू एम सी अपॉन डी, बोथ साइड एम एम भी कट, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये हो गया आपका प्रूफ, देख लो। या इसे आप कह सकते हो ए इज टू बी इज टू एफ सी इज टू डी, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो अल्टरनेंडो डिविडेंडो कंपोनेंडो कुछ भी यूज़ नहीं किया, जरूर थोड़ी है, मतलब जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे करेंगे, नहीं है यूज़ ऐसे कर दिया, वैसे भी एग्जाम में कौन सा आप जानोगे कि वहाँ पे क्या यूज़ करना है, आपका काम है जो कहा है वो प्रूफ करो, अगर वो सिंपल प्रूफ हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको जबरदस्ती रूल अप्लाई करने की, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो लंबी हो जा रही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है यहाँ तक, पूरा बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए। ये पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी है, और आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है, बहुत सारा वर्क है, जो बच्चे मुझे जानते हैं पर्सनली वो जानते होंगे मैं क्यों बिजी हूँ, तो इसलिए वीडियो लेट से आ रही है, ओके, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करूँ, ठीक है ना। तो मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा, वीडियो लेट आ रही है, बट मैं अब जल्दी ही वीडियोस को अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है ना, ओके, थैंक यू।